मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया है और ये प्रभु की एक महान दया है कि आज का दिन हम देखने पाए और आपसे मिलने के लिए खुदा ने हमें समय दिया है कि हम आपसे मिल सकें, आपके साथ रूबरू हो सकें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत और महिमा हम अपने प्रभु यीशु पवित्रात्मा जी को देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन है हम बड़े ध्यान से सुनेंगे और हम चाहते हैं कि सभी जन अपनी आंखें बंद करें और छोटी सी दुआ करते हैं। प्यारे खुदा यीशु पवित्रात्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। आज के महान दिन के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। अपने आप को आपके हाथ में, आपके लहू में सौंप देते हैं और अपने सभी भाई बहनों को जो प्रभु इस समय हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, प्रभु हम सबको आपके हाथ में, आपके लहू में सौंपते हैं। अनुग्रह करो, दया करो, संभाल कर रखना खुदा। बीते सप्ताह जो भी हमसे गलतियाँ हुई, गुनाह हुए, कोई भी किसी भी कारणवश प्रभु हमारी ज़िंदगी में कोई परमेश्वर गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं, सबके सामने माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलतियों से अलग होते हैं, अपने लहू से हमें धो दीजिए, हमारी जुबान को शुद्ध कर दीजिए, हमारे होठों को शुद्ध कीजिए खुदा, ताकि हम आपके अति पवित्र वचन को, अति पवित्र नाम को लेने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके नाम को महिमा देते हैं, दिल की गहराई से सबको क्षमा करते हैं। अति पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्रात्मा जी, धन्यवाद पवित्रात्मा जी, धन्यवाद पवित्रात्मा जी, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम से। हमते सब बोलते हैं आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि आप अच्छे होंगे और सलामत होंगे और आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। मैं प्रभु में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आपकी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करती हैं। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम महिमा पाए। आज के जिंदा कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। आज का जिंदा कलाम परमेश्वर हमारे लिए हो प्रभु, क्योंकि जीवन की रोटी जो है वो हमारे लिए, हम जिंदगी में आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा बना रहे। जो भी आज वचन सुने प्रभु, सबके हृदय को खोलना खुदा, ताकि हम तेरी बारगाह में दाखिल हो सके। यीशु जी धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम ज़्यादा लंबा तो नहीं, मगर ठीक छोटा सा वचन सुनाएंगे आपको, ताकि आप उस पर अमल कर सकें, क्योंकि हमारे पास, हमारी ज़िंदगी में इतना समय नहीं है कि हम बाइबल को पढ़ते हैं या हम किसी का वचन बड़े ध्यान से सुनते हैं। अगर हम ध्यान से भी सुनते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे घर, हमारी ही ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हैं कि जिसके कारण हम वचन को याद नहीं रख पाते, है ना। हमें वचन को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। मैंने एक बार बताया था ना कि एक परमेश्वर का सेवक प्रचार कर रहा था, तो उसकी उसने उनकी कलीसिया में एक माता आ रही थी। तो माता कह रही, मेरे ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने बोला, माता आपको कितने साल हो गए मसीह में? वो कहती, बेटा पूछ मत। कहती, फिर भी आप मुझे बताइए कितने साल हो गए आपको मसीह में? तो वो बोलता है कि मेरे को माता बोलती है कि मुझे मसीह में 20 साल हो गए, 20 साल से मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। तो उसने कहा, अच्छा माता 20 साल हो गए आपको यीशु मसीह को मानते हुए? कह रहे, हाँ मुझे 20 साल हो गए। अच्छा माता, मुझे एक बताओ कि बाइबल में किताबें कितनी हैं? तो माता सोच में पड़ेगी, बाइबल में किताबें कितनी हो सकती हैं? वो कहती, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो परमेश्वर ने, हम जब प्रभु ने कहा कि तुम कोई ऐसी याद बताओ कि जहाँ लिखा है कि प्रभु कहता कि तुम चंगे हो गए। कह रहे, पुत्र ये तो मैंने नहीं पता हैगा, है ना।
माता आपको 20 साल पता है कि मुझे 20 साल हो गए यीशु मसीह में, कि मैं 20 साल से यीशु मसीह को मानती हूँ, मगर 20 साल के अंदर माता आपको एक भी वचन याद नहीं है। 20 साल आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानते हुए हो गए हैं, और मैं लगातार आ रही हूँ चर्च के अंदर, लगातार मैं वचन भी सुनती हूँ, प्रार्थना भी सुनती हूँ, गीत भी सुनती हूँ, पर आपको वचन के बारे में कोई भी एक भी वचन माँ आपको याद नहीं है। तो 20 साल का फायदा क्या है आपको कि आप 20 साल से यीशु मसीह को मानते हो, एक भी वचन आपको नहीं आता, तो आप चंगे कैसे होंगे, है ना। हमें सदियों हो गई, हम कहते हैं शुरू से ही यीशु मसीह को मानते हैं, शुरू से ही क्रिश्चियन है, मगर बाइबल की एक आयत भी हमें नहीं आती। अगर सिर्फ नामधारी ही मसीह बनना है तो ये कोई फायदा नहीं है नामधारी बनने का। हमें क्या करना है, हमें प्रभु में बिल्कुल परफेक्ट बनना है, प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह में हमें अपनी लाइफ को सही बिताना है, सही बिताना है हमें प्रभु में। हमें उसके वचन याद होने चाहिए, उंगलियों पे याद होने चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या बोला हुआ है, हमें याद होना चाहिए, तभी तो आप मसीह में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा बेटा जी, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, है ना। हम इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ का कानून फॉलो करते हैं, हम जो भी लाइसेंस बनाने जाते हैं उनको सभी सवालों का जवाब देना पड़ता है। अगर वो नहीं स्टडी करेंगे, नहीं जवाब देंगे, तो कैसे उनका लाइसेंस बन जाएगा, उनको ड्राइवर लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। इसी प्रकार हमें दुनिया में रहते हुए कानून को फॉलो करते हैं, हमें याद है ना कैसे हमने रेड लाइट पर खड़े होना है, ऑरेंज लाइट पर तैयार होना है, ग्रीन लाइट पर आगे जाना है, हमें सब पता है ना, ये सारी बातें तो हमें मालूम है। अगर नहीं पता होगा, हम रेड लाइट पर गाड़ी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो हमें पकड़ लेते हैं, हमारी गाड़ी बंद कर देते हैं, चलान कर देते हैं, गाड़ी रख लेते हैं, हम लोग फिर रोते हैं। अगर हमें तो पता ही नहीं था, आपको ये नहीं पता रेड लाइट पर हमें रुकना होता है कि चलना होता है, है ना। वो कहते हैं ना, आपको पता नहीं है, आप इसी शहर में रहते हो ना, हिंदुस्तान में ही तो रहते हो, आपको हिंदुस्तान के कानून के बारे में नहीं पता। इसी प्रकार अगर हमने प्रभु यीशु के घर जाना है तो वहाँ का कानून हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है। एक आयत पढ़ते हैं हम लोग, यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 6 पढ़ लेते हैं। हाँ, 14 की 6 पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या लिखा है यहाँ पर, यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं हूँ। यीशु मसीह कह रहे मैं हूँ, रास्ता भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ, और जिंदगी भी मैं हूँ, तीनों चीजें मैं हूँ, और मेरे बिना कोई भी मेरे पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर किसी को मेरे पिता से मिलना है ना, तो पहले ये चीजें उसको अपनानी पड़ेंगी, इस मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा सच्चाई के साथ, तभी आपको जिंदगी मिलेगी। जब जिंदगी आपके अंदर होगी तभी आप इस दरवाजे से अंदर प्रवेश कर पाओगे, तभी प्रवेश कर पाओगे ताकि आप उसके पिता से मिल सको, अपने पिता से मिल सके। यीशु मसीह क्या कहता है, मैं स्वर्ग का दरबार हूं, मैं स्वर्ग का दरवाजा हूं, दरवाजा तो मैं ही हूं, मेरे बिना कौन जा सकता है स्वर्ग के अंदर, रास्ता मैं ही हूं, सच्चाई मैं ही हूं, जिंदगी मैं हूं, मेरे बिना कोई भी इन पिता से नहीं मिल सकता। जब आपकी जिंदगी के अंदर ये चीजें होंगी तभी आप स्वर्ग में एंट्री कर पाओगे, तभी आप उसके स्वर्गीय पिता से मिल पाओगे। अगर आपके अंदर ये नहीं है, आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, आपके अंदर वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे यीशु मसीह ने कहा चलो, अगर आपके अंदर वो सच्चाई नहीं है जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, अगर आपके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है तो आप स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकते। समझ आई मेरी बात की। यीशु मसीह, आप सोचोगे ना कि हम ऐसे कूद के चले जाएंगे, जब उधर से निकल कर चले जाएंगे तो वहाँ कोई ना तो खिड़की है,
ना कोई रोशनदार है, सिर्फ एक ही दरवाजा है। स्वर्ग का एक ही दरवाजा है, वो दरवाजे का नाम यीशु मसीह है, और उसके बिना कोई भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और एंट्री कराने के लिए भी आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। वो पासवर्ड कौन है? पवित्र आत्मा जी, वही है जो आपको स्वर्ग के अंदर एंट्री कराएंगे। अगर वो नहीं है तो आप जा नहीं सकते किसी भी घर से, है ना। पर में क्या लिखा है? जो कोई आत्मा और जल से नहीं बपतिस्मा लेता वो मेरे घर में जा नहीं सकता। इसका मतलब आत्मा का होना, पवित्र आत्मा जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई का पढ़ेंगे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय और उसका 20 पढ़ेंगे। देखो आज छोटा सा वचन सुनाऊंगी और बड़ा ही, अगर आपने समझ लिया ना इसका मतलब क्या है तो आप पक्का ही स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप की तैयारी करेंगे। पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? कहता देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा और मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके पास रहूंगा और उसके साथ खाना भी खाऊंगा। कितनी बार यीशु मसीह बोल रहे हैं? कहता देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा। मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलता है, मैं उसके अंदर आता हूँ, उसके भीतर आता हूँ और मैं उसके साथ रहूँगा भी और उसके साथ भोजन भी करूँगा। तो क्या हम, जब यीशु मसीह खटखटाता है तो क्या हम खोलते हैं? अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं? क्या हम उसे आने देते हैं? क्या कहते हैं? यीशु तू मेरे अंदर आ और मैं और आप मेरे साथ रहिए और मेरे साथ आप मुझे भी खाना खिलाइए और आप भी खाइए। क्या कभी कहते हैं हम लोग ऐसा? आपको मालूम है यीशु मसीह हमेशा एकांत में बात करते हैं और एकांत समय कभी भी हो सकता है, और खासकर रात को जब हम उठते हैं, रात को कई बार होता है हम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोए होते हैं, तो उस समय यीशु मसीह हमें आवाज़ देता है, बेटा उठ और प्रार्थना कर, उठ मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, उठ जा मैं तेरे पास आया हूँ। तो उस समय हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हमसे उठा नहीं जाता और हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह थोड़ी देर और रुक जा, है ना, मैं थोड़ी देर बाद ही उठूंगा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, है ना। हमारी आँखें फिर बंद हो जाती है। फिर यीशु मसीह कहता है उठ मैं तुझसे बात करने आया हूँ, मुझे बहुत सारी बातें तुझसे करनी है, मैंने तुझे आने वाली बातें बताने के लिए आया हूँ। और हमारी इतनी गहरी नींद होती है कि हम प्रभु खटखटा रहे और हम दरवाजा भी नहीं खोल पाते, हम खिड़की में से उसको जवाब देते हैं, प्रभु मैं ठहर के उठूंगा, मैं प्रभु ठहर के बात करूंगा, हम नहीं उठ पाते। अगर उठ चौकस होकर बैठ, क्योंकि मुझे तुझे बहुत सारी बातें बतानी हैं, और हम बिल्कुल भी चौकस नहीं होते और सो जाते हैं। प्रभु क्या होता है? फिर चला जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। खोल मेरे लिए अपना दिल का दरवाजा, क्यों बंद किया हुआ है? प्रभु इस चार दीवारी में नहीं आना चाहता, ईंट और पत्थरों में नहीं आना चाहता। प्रभु हमारे दिल के दरवाजे को बार बार नोक करता है, बेटा खोल अपना दिल का दरवाजा, क्यों बंद करा हुआ है तूने इसको? खोल, मुझे भीतर आने दे। जब मैं भीतर आऊँगा तभी तो तेरे हर बात का जवाब दे पाऊँगा, तेरी हर समस्या का हल कर पाऊँगा मैं। तुझे मैं बहुत सारी बातें करनी, आने वाली सारी बातें मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मगर हम कभी भी अपने दरवाजे को खोलते नहीं है। इसी का जवाब मैं आपको देती हूँ, मेरे साथ निकालेंगे अपने तो के काम और उसका 12 अध्याय निकाल दीजिए, वहाँ से 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं, फिर भी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर तो काम 12 अध्याय हम उसकी 1 से पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले,
उसने यहुन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पैरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरियों द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वह पहले और दूसरे पहर से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आप से आप खुल गया, और वह निकल कर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकल कर दूसरी जगह चला गया। हालेलुया। आपने सुना यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रेतों के काम उसका 12 अध्याय 1 से 17 तक आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर लिखा है कि पतरस, जब वो चेले लोग क्या करते थे, प्रचार करते थे, तो वहाँ का जो राजा था हेरोदेस, उसने क्या किया, उन यहूना को पकड़कर उसका सिर कलम करा दिया, यानी कि उसका सिर कटवा दिया। तो उसने देखा कि जब मैंने इनको मरवा भी दिया फिर भी ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, पतरस को भी पकड़ लिया और पतरस को जेल खाने में डाल दिया और उसके ऊपर पहरा लगा दिया। लगातार सिपाही क्या है उसका पहरा देते रहते और उसको संगलों से बंधवा दिया। तब पतरस बड़े आराम से सो रहा था और बाइबल कहती है कि उसकी कलीसिया लो लगाकर, यानी कि लो लगाने का मतलब है एक मन, एक चित, एक सोच, एक समझ होकर एक जान हो गए। वो सारे लोग, इतने सारे लोग थे मगर वो एक हो गए। जब वो लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजा और जब स्वर्गदूत आया तो उसने क्या किया, पतरस की पसली पर मारा और उसे कहा, तू फटाफट खड़ा हो जा, अपने जूते पहन, अपने कपड़े पहन, अपनी कमर बांध ले और चल, है ना। तो पतरस के जब पसली पर मारा तो उसका एक रीजन है पसली पर मारने का, जो कलीसिया है वो दुल्हन कहलाई जाती है। तो जो पतरस था वो एक पास्टर था, उसकी जब उसकी पसली पर मारा तो उसको बता दिया स्वर्गदूत ने मार के कि जो तेरी कलीसिया है वो तेरे लिए क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, वो तेरे लिए आंसू बहा रही है, वो तेरे लिए रो रही है कि परमेश्वर तू हमारे चरवाहे को क्या कर दे, छुटकारा दे, हमारे चरवाहे को छुड़वा दे,
क्योंकि हमारी इतनी पहुंच नहीं है, सारी जगह विरोध हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मगर तू सब कुछ कर सकता है। तभी परमेश्वर स्वर्गदूत था, उसने पतरस की पसली पर मारकर बोला कि तेरी कलीसिया जो प्रार्थना कर रही है, जो रो रही है तेरे लिए, जो आंसू बहा रही है, उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने मुझे भेजा तुझे छुड़वाने के लिए। अब जल्दी कर, अपने जूते पहन ले और अपने कपड़े पहन और चल मेरे पीछे। तो वो फटाफट ऐसे ही कर रहा था और वो सोच रहा था मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपने में ऐसा कर रहा हूँ। तब वो क्या किया, उसने वो ऐसे ही करता रहा और जब करता रहा तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो जब चौक पर जाके स्वर्गदूत गायब हो गया और उसने तब उसको होश आया, वो ये तो सच की बात है। तब वो अपने वहाँ गया कलीसिया के पास, उसने दरवाजा खड़काया तो एक दासी ने क्या करा, खिड़की खोली है ना, जब खिड़की खोली तो उसने देखा पतरस खड़ा है, ये तो हमारा चरवाहा है, ये तो हमारा पास्टर खड़ा है यहाँ पर। इतनी खुश होगी कि उसने दरवाजा खोलना भूल गई, वो सीधी अंदर चली गई और लोगों को कहेंगी पतरस आया है, पास्टर आया है, चरवाहा आया है हमारा, मगर चल चल झूठ बोल रही है तो देखो है ना। वो लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनको ये नहीं पता कि जो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। बोले नहीं तू झूठ बोल रही है, करी नहीं, उसने जो जोर देके बोला नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, वो आया है। उन्होंने जाके वो सारे जने निकले और जाके क्या खिड़की खोल कर क्या करके देखने लगे कि सच में आया है, क्योंकि हमने उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, खिड़की खोली, उन्होंने पूछा कौन है, पतरस ने बोला मैं हूँ, है ना। तब उन्होंने शब्द को पहचान लिया, शब्द पहचान कर उसकी आवाज को पहचान कर भी दरवाजा नहीं खोला, खिड़की खोली। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब टाइम नहीं है मेरे पास आपके पास आने के लिए। उन्होंने छोटी सी गवाही दी कि मेरे को परमेश्वर ने इस तरीके से छुटकारा दिया है, और जाकर भाइयों को बताना, और वहां से वो चला गया। आज भी सेम यही कंडीशन है हमारी। हम बड़े विश्वास से प्रार्थना करते हैं, बड़ी लगन से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर आते हैं हमें बात करने के लिए, वो कहता मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़का, खोल तो सही, खोल जिस कारण तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है, जिस कारण तू मुझे बुला रहा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया और मैं उत्तर देने के लिए तेरे पास आया हूँ। और हम क्या करते हैं, हम दरवाजा नहीं खोलते, हम खिड़की खोलते हैं, है ना। यानी कि आधे सोए होते हैं आधे जागे होते हैं, हम पूरी रीति से परमेश्वर की बात नहीं सुनना चाहते। प्रभु कहता बेटा सचेत हो, उठ, जागृत हो, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। और हमारा शरीर इतना दुर्बल है कि वो उठने का नाम ही लेता, और प्रभु क्या आता है, समय खत्म चला जाता है परमेश्वर। और जब हम उठते हैं हमारा दिल उदास होता है, हमारा दिल बेचैन हो जाता है, कहते प्रभु तूने मुझसे बात नहीं करी, प्रभु तूने मुझे उठाया नहीं, प्रभु तूने, हम सारी बातें फिर किसके ऊपर लगाते हैं, प्रभु को ही बोल देते हैं, प्रभु आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, प्रभु आपने मुझसे बात क्यों नहीं करी, प्रभु मैं तो बोलकर सोया था, प्रभु आप मुझे उठाना, मुझसे बात करना, मुझसे मिलने आना। प्रभु कहता बेटा मैं तो आया था, मैंने तो बहुत बार तेरे दिल पर नोक करा, मगर तू तो सोया ही रहा, तूने तो मुझसे बात ही नहीं करी, तूने तो अपना दरवाजा खोला ही नहीं है। आज हम दरवाजा नहीं खोल रहे, एक दिन ऐसे आने वाला है कि प्रभु नहीं दरवाजा खोलेंगे। वो कहता मैं दरवाजा हूं, अगर बंद हो गया तो इसे कोई खोल नहीं सकता, अभी खुला है, अभी आइए, दौड़िए, चलिए मत, दौड़ दौड़ कर आइए मेरे पास, अभी हमारे पास चलने का टाइम नहीं, अभी दौड़ने का समय है। जितना तेज आप दौड़ सकते हो उतना दौड़िए, प्रभु के घर में जाने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए आप दौड़ लगाइए। कहीं ये दरवाजा बंद हो जाए, हो गया तो इसे कोई खोल भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, जिस दरवाजे को मैंने खोला है, जिस द्वार को मैंने खोल दिया, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैंने बंद कर दिया फिर उसको कोई खोल भी नहीं सकता। इसलिए बेटा जी भी समय है, बहुत कम समय है हमारे पास, काम बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, आप जितना दौड़ सकते हो उतना तेज दौड़िए। पुरुष कहता है ना कि परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, और मैं उस दौड़ में शामिल हो चुका हूँ, और मैं निशाना साधकर दौड़ता हूँ। मैं आंखें बंद करके नहीं दौड़ता कि ठोकर लगी और गिर जाऊं, मैं निशाना साधता हूँ, मैं आंखें
खुली रखता हूँ और मैं निशाना साध कर लगाता हूँ निशाना, ताकि मैं जीतूं, मैं इनाम पाऊं। आज हमें भी दौड़ना है। बहुत सी रुकावटें आती हैं, चाहे परिवार की तरफ से आए, चाहे मिनिस्ट्री की तरफ से आए, चाहे दुनिया की तरफ से आए, चाहे किसी की तरफ से क्यों ना रुकावटें आती रहें, मगर आपने उन क्या करना है, पोलों को पार करना। कभी देखा रेस लगती है, जब दौड़ लगती है तो बीच बीच में क्या लगाते हैं, पोल लगा देते हैं, उनको जंप करना होता है। इसी प्रकार आज भी शैतान हमारी रेस के सामने क्या करता है, जब हम दौड़ रहे हैं तो आगे आगे पोल लगाता है। किसके? परिवार की तरफ से लगाता है, दोस्तों की तरफ से लगाता है, संसार की तरफ से हमारे अंदर परेशानियां डाल देता है, ताकि हम गिर जाएं, ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। जो निशाना साधे हुए, जिनकी आंखें खुली हैं, वो पार करते जाते हैं, ताकि हम इनाम पाएं, हम पहले ही नंबर पर आएं। इसलिए बड़ा जरूरी है बेटा जी, अगर हम दौड़ रहे हैं तो अपना निशाना साध लीजिए। आप अपनी आंखें खुली रखें, अपने मन को बिल्कुल सीधा रखें। प्रभु, मैं इधर उधर मेरा मन भटकने ना पाए, मैं सिर्फ तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, मैं दौड़ लगा रहा हूँ प्रभु, हर परेशानियों में से, हर दुखों में से मैं प्रभु साफ रहना चाहता हूँ, निष्कलंक रहना चाहता हूँ, ताकि मैं तेरे घर में आ सकूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना 10:9 में लिखे हैं, मैं क्या हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं भेड़ों का दरवाजा हूँ, मैं क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं और पहचानती हैं, और जब मैं आवाज़ लगाता हूँ नाम लेकर, तो वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं, जब सारी निकल जाती हैं तो मैं उनके आगे हो जाता हूँ, ताकि वो मेरे पीछे पीछे चले। हालेलुया। अगर हम सच में यीशु मसीह की भेड़ है ना, तो हमने खिड़की में से नहीं कूदना, हमने छत में से नहीं कूद कर आना, हमने दरवाजे में से एंट्री करनी है। बाइबल कहती है, जो कोई इधर उधर से छलांग लगा कर आता है, जो दरवाजे से नहीं आता वो चोर और डाकू है। ठीक है ना, चोर हमेशा कभी दरवाजे से नहीं आएगा। चोर क्या करता है, छत फाड़ कर आता है, या खिड़की में से आता है, या कहीं सेंध लगा कर आता है, या दरवाजे दीवार को तोड़ कर अंदर आएगा, कभी दरवाजे से नहीं आएगा। उसे पता है दरवाजे से जाऊंगा तो मैं सीधा पकड़ा जाऊंगा। वो सेंध लगाता है, चाहे खिड़की उखाड़ देगा, चाहे छत उखाड़ देगा, तब वो एंट्री करेगा घर के अंदर और छुप छुप के आएगा। जो सही में होता है वो दरवाजे से आता है, बेधड़क होकर आता है, उसे किसी बात का कोई भी डर नहीं होता, उसके पता है मैं अपने घर में जा रहा हूँ, अपने मालिक के घर में जा रहा हूँ, मुझे किस बात का डर है, क्योंकि वो मुझे जानता है, मैं उसे पहचानता हूँ, वो मेरी बात को समझ सकता है, वो मुझे जानता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या है, और मैं यीशु मसीह कहता है, मैं क्या हूँ, दरवाजा, मैं द्वार हूँ, मैं अपनी भेड़ों का दरवाजा हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चली आती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दरवाजे में से एंट्री करना। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं, अगर आप सही रास्ते पे खड़े हैं, अगर आपके अंदर जिंदगी है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता पिता से मिलने के लिए, क्योंकि हम सब ने यीशु मसीह के द्वारा, हमने यीशु के पिता से मिलना है, अपने पिता से मिलना है, जो हम बहुत साल पहले अलग हो चुके थे, अब यीशु के द्वारा हम अपने पिता से द्वारा से मिलेंगे। अगर हमारे अंदर वैसा ही जीवन होगा जैसे यीशु ने हमें दिया है, अगर वैसा ही हमारे अंदर सच्चाई है जैसे यीशु ने बताई है, अगर वैसे ही हम मार्ग पर चल रहे हैं जो यीशु ने हमें मार्ग दिखाया है, अगर हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता अपने पिता से मिलने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत ज़रूरी है बेटा जी कि आप अपनी ज़िंदगी को प्रभु के साथ लगाएं और उसकी आवाज़ को सुने। कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, किस समय भी आप दिन का कोई भी समय ले लीजिए, रात का कोई भी समय लीजिए, आप प्रभु के साथ चौकस होकर सचेत होकर बैठना है कि प्रभु तुम मुझसे बात कर, प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपके पास आया हूँ प्रभु, आपके बिना मुझे कोई बचा नहीं सकता, आपके बिना मेरे को कोई ज़िंदगी दे नहीं सकता, आपके बिना कोई मुझे सच में इस दुनिया से कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा जी, इसलिए आप प्रभु के साथ जुड़े रहिए, ताकि प्रभु आपकी ज़िंदगी में वो काम कर सके कि जो आज तक कभी हुआ ना हो। मैं कल किसी के घर गई थी,
मैं छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। हम लोग वहाँ गाना गा रहे थे, वो गाना गए, उसके बाद हमने छोटा सा प्रचार किया। उन्हीं की फैमिली का बंदा ऊपर ही है, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे ही रहता है, आया नहीं नीचे। उसकी वाइफ आई थी, वो अपने बेटे को लेकर आई दुआग्रहण। मैंने अभी छुआ भी नहीं, मैंने उसको लड़के को, कभी उस लड़के ने कभी ऐसा नहीं करा, कभी लाइफ में नहीं करा। मैंने जब उसको देखा, वो इतनी जोर से चिक्के मारने लग गया, इतनी जोर से, नहीं नहीं मुझे नहीं छूना, भाग लिया, भाग गया। मैंने मनी को बोला पकड़, वो तो हाथ छुड़ा कर भागा। छोटा सा लड़का है, तो मैंने उसकी उसकी मम्मी को डांटा, मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने कहा है ना, तुम लोग कभी ये नहीं कहते कि पासरी आप मेरे घर में आइए, आप प्रार्थना करके जाओ, पासरी मेरे घर में आओ एक टुकड़ा खा के जाइए, पासरी मेरे घर में आओ ये 10 रुपया आप लेकर जाइए ताकि मेरे घर के रास्ते खुल जाए, पासरी आपकी कमाई से कोई बड़ी नहीं बनने वाला, आपकी रोटी खाने से कोई और ज्यादा मोटा नहीं होने वाले, पेट नहीं भरने वाले, ये सिर्फ आपकी तरक्की के लिए है। ये लॉकडाउन में बहुत से लोग पीछे हट गए, अभी देखो लॉकडाउन लगा है, इतने लोग पीछे हट चुके हैं कि अभी तो वो मुसीबतें नहीं आई, अभी तो कोई परेशानी नहीं आई, अभी तो कोई दुख नहीं आया पीछे हटने के लिए, अभी तो सिर्फ छोटा सा लॉकडाउन लगा है, बंद हो गया, छोटा सा लॉकडाउन लगा है और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया है ना। अभी तो बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली है, अब तो बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली है, कोई बहुत सारी क्या है परेशानियां आने वाली है, अभी बहुत सी महामारी आने वाली है, उस समय क्या हाल होएगा? आप अभी नहीं मुझे कॉल करते, अभी नहीं मुझसे बात करते, अभी नहीं आप कहते हैं पास्टर जी आप मेरे घर में आके प्रार्थना करके जाइए। मैं कुछ कहती हूँ आपको कि आप मुझे बहुत बड़ी भेंट दो, जब मुझे बहुत कुछ दीजिए, जब मुझे बहुत सारा कुछ खाने के दीजिए, कहीं बोला मैंने आपको? मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलती हूँ, आप मुझे अपने घर में बुलाइए, आप प्रार्थना करवाइए, सिर्फ पानी पीना चाहती, प्रार्थना कराइए अपने घर में ताकि आपके घर के ऊपर शैतानी पहरा ना लग जाए कहीं। अब आप देखो क्या हाल हो गया है, ना पति खुदा में, पति क्या होता है, मेरे को कौन सा रब ने कुछ दे दिया, अरे क्या नहीं दिया, जिंदगी दे दी और क्या चाहिए तुझे, इससे बड़ी क्या सुगात चाहिए तुझे, आज तक जिंदा है ना उसकी रहम और कर्म से जिंदा है, तो अपने कर्म से नहीं जिंदा हम लोग, अगर आज हम जिंदा हैं दुनिया के अंदर तो ये उसकी बड़ी बहुत बड़ी दया है कि हम जिंदा हैं, आंखें चल देख रहे, आंखों से देख रहे हैं, मुँह से बोल रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, इससे बड़ा चमत्कार हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हमें हर पल हर सांस में, सांसों से भी करीब, गनन पसंद जी ने गाया, सांसों से भी करीब मेरे मुझे आने दे, है ना, मेरे पास आने दे, मुझे पास आने दे, सांसों से भी करीब क्या है, हमारी जिंदगी, हमारा सोच, हमारे विचार जो प्रभु से दूर लेकर जाते हैं। प्रभु को हर टाइम याद रखिए, उसके बिना कुछ नहीं है। मैं 1000 गलती करती हूँ तो 10,000 बार माफी मांगती हूँ खुदा से, 10,000 बार माफी मांगती, पल पल में माफी मांगती मैं प्रभु से, प्रभु मेरी जिंदगी में कोई ऐसी गलती ना आ जाए, मैं सबको माफ करती, मैं लड़ती भी हूँ तो मैं माफी भी मांगती, मैं कोई वो फरिश्ता नहीं हूँ कि मैं स्वर्ग में जाना, मैं भी 1000 गलतियां करती हूँ, प्रभु मुझे भी माफ करता है, मुझ पर भी दया करता है ताकि मैं भी बचूं, ताकि आप भी बचें। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर में बुलाओ, प्रार्थना कराओ, अभी बहुत मुसीबतें आने वाली है, उस समय तो मैं आ नहीं पाऊंगी, फिर आप पछताओगे, कोई मेरे लिए दुआ नहीं करता, कोई मुझे वचन नहीं सुनाता, कोई मुझे ये नहीं करता, कोई मुझे वो नहीं करता, आज सब कुछ है तो आज हम कुछ नहीं कर रहे, और कल कुछ भी नहीं होगा तो आप कल सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, तो वो समय नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का जो रास्ता है आप मत सोचिए आसान है, वो बहुत कठिन है, और इस कठिन रास्ते पे से हमने चलना है, और हमने आसान रास्ता नहीं ढूंढना, हमने कठिन रास्ते ढूंढना है, बहुत कठिन रास्ता ढूंढना है ताकि हमें पता चले जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है। जिंदगी एक संघर्ष है, इसे संघर्ष के साथ ही जिए, जो आसान जिंदगी जीता है उसे जिंदगी नहीं कहते, जो कठिनाइयों से जीता है उसे जिंदगी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया है तभी वो पिता के पास पहुंचे हैं, तो हमें कितना दुख उठाना है, कितनी परेशानियों का सामना करना है ना, तो हमें भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कीजिए, अपना दिल दे दीजिए उसे, चाहे अपर इतना प्यार करो उसे कि वो जाने यार इसके जैसा दोस्त मेरा कोई हो भी नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर यीशु मसीह है, तभी तो ये आपका दोस्त बना है, तभी तो ये आपसे मोहब्बत कर रहा है। अगर इसके अंदर यीशु ना होता, ये हमसे मोहब्बत करता ही ना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो आपसे मोहब्बत करता तो आप भी दिलो जान से उसे प्यार कीजिए, प्यार दिखाइए, मैं भी प्रभु का बेटा हूँ और आप भी प्रभु के बेटे, और हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं? भाई हैं। हालेलुया। तभी यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें भाई कहलाने से लज्जाता नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरे लिए गीत गाऊंगा सबके सामने, है ना। जब आप वफादार रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, थोड़ी सी दुआ करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी, अगर हमारी जिंदगी से कोई भूल चुक होगी तो क्षमा कर दीजिए, अगर हम रास्ता भटक गए हैं तो खुदा हमारा हाथ पकड़कर सही मार्ग पर चला दीजिए खुदा, क्योंकि दरवाजा आप है, द्वार आप हैं। प्रभु मुझे इसी द्वार में से अंदर जाना है और मुझे रास्ता भी यही अपनाना है और मुझे सच्चाई के साथ आना है खुदा, ताकि मैं आपसे जिंदगी लेकर जिंदगी देने वाले से मिल सकूं। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके नाम को महिमा देते हैं। मेरे जिंदा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, दया के सागर यीशु, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपसे मिलना, आपके पास आना खुदा। और उसके लिए चाहे मैं कोई भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करूं प्रभु, मेरी जिंदगी पवित्र रखना खुदा, मेरी जिंदगी में तेरा हाथ हो खुदा, मेरे हाथ को थाम कर रखना प्रभु, मुझे कभी भी डगमगाने नहीं देना, मुझे कभी भी गिरने नहीं देना प्रभु यीशु, क्योंकि तू मेरा मालिक है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा परमेश्वर जीवन का कर्ता है। यीशु राजा धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, एक गीत गाते हैं। सूली
Jesus, hallelujah. सारी महिमा को धन्यवाद यीशु के नाम से आमेन आमेन जय श्री कृष्ण।